मोदी जी ने हमें विकलांग उसे नाम बदल के दिव्यांग नाम तो कर दिया, बहुत ही अच्छा काम किया, दिव्यांगों वाला नाम दिया है, पर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। हमने भारतीय दिव्यांग संगठन के माध्यम से हम चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ ऐसे प्रयोजन करे जिससे हमें शर्म ना आए, कहीं भी जाते हैं तो लोग एक अलग नजरिए से देखते, देखना भी चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि नहीं देखो, देखना भी चाहिए क्योंकि हम कोई अलग ही है। हमें आने जाने में दिक्कत हो रही है, कोई काम में दिक्कत हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। भारत की टोटल पॉपुलेशन में से 3.70% माने से 3.5 करोड़ लोग दिव्यांग है, ये ऑफिशियल आंकड़े है 2011 के, आप चाहो तो उसको ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हो। हमने पहले जो बताया कि हमारी क्या क्या मांगे थी, हम भारतीय दिव्यांग संगठन के माध्यम से दिव्यांगों के लिए जो लड़त उठाई है उसको हम पूरा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार दिव्यांगों को उनके दिव्यांग के प्रतिशत के हिसाब से, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 5-10% जो दिव्यांग है उसको ये सारे लाभ मिले, पर दिव्यांग के प्रतिशत के हिसाब से उसको प्रति माह मिनिमम 8,000 रुपये पेंशन हो, ये हमारी पहली मांग है। यदि सरकार ये नहीं कर पा रही है तो हम चाहते हैं कि हमारी जॉब का कोटा रिजर्व हो, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर है, लिमिटेड कंपनियां है, उसमें दिव्यांगों को एक छोटा मोटा जॉब दिया जाए, जैसे कि भाई रिसेप्शनिस्ट का जॉब है, कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब है, लिफ्टमैन का जॉब है, जो दिव्यांग पर्सन चाहे वो अंध हो, बहरा हो, मूंगा हो, विकलांग हो, वो इजीली कर पाता है उसको, तो वो जॉब देनी चाहिए, तो हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। यदि सरकार ये भी नहीं कर पा रही है तो हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि आप ऐसे छोटे मोटे उद्योगों की स्थापना करें तहसील लेवल पे, जिसको हम तालुका प्लेस भी बोलते हैं, तहसील लेवल पे ऐसे छोटे मोटे उद्योग की स्थापना करें जिससे दिव्यांग अपनी आजीविका, अपनी रोजी रोटी कमा सके। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लग रहा है, छोटे उद्योग जैसे कोई हैंडमेड आइटम बना रहे हैं, कोई पेपर डिश बना रहा है, कुछ भी ऐसे छोटे, उसको वहाँ डाला जाए। गवर्नमेंट के इतने सेक्टर्स है, कैंटीन है, जिसमें इसकी रिक्वायरमेंट है, तो आप वहीं से उठा के वो माल खरीद लो, जिसे 2 पैसों की इनकम भी दिव्यांग को होगी, वो अपना आजीवन अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। सेकंड हमारी डिमांड थी कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर है एंड नॉन गवर्नमेंट सेक्टर है, वो सब में दिव्यांगों के लिए जो भी कोटा है जॉब का, हम ये नहीं कह रहे कि हमें किसी का छीन के दो, हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा नैतिक अधिकार है, हमें हमारे अधिकार के तौर पे वो जॉब का जो भी कोटा है उसको पहले जल्द से जल्द फिलअप किया जाए, और इसका एक अलग कैंपेन चलाया जाए, अलग ही इसकी एडवर्टाइजमेंट निकाली जाए। ऐसा नहीं कि जनरल कोटा की एडवर्टाइजमेंट निकली है कि भाई चलो इतने लोगों की भर्ती की जा रही है, उसमें 2% 4% जो भी सीटें है वो आप भरपाई करो, नहीं, आप दिव्यांगों के लिए अलग ही जाहिरात निकाले और उसमें सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगों की भर्ती की जाए, बाद में आप जनरल में जो भी निकाले हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड हमारी बात थी कि हम कहीं भी जाते हैं, कोई सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, सरकारी कार्यालय में जाते हैं, कहीं भी पब्लिक सेक्टर में जाते हैं, बड़ी बड़ी मॉल्स में जाते हैं, तो वो टोटली व्हीलचेयर फ्रेंडली होना चाहिए। सरकार से हमारी गुजारिश है कि आपके सारे सरकारी दफ्तरों में व्हीलचेयर के साथ एक हेल्पर भी प्रोवाइड किया जाए, जिससे वो इजीली उसको लेके मूव कर सके, उसका जो भी काम है वो इजीली वो कर सके। हम जानते हैं कि जब भी हम कोई काम करने जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, कुछ भी मांगने जाते हैं या कोई डॉक्यूमेंटेशन करना पड़े, प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, हमें भी उससे पास होना पड़ेगा, पर हम सामान्य इंसान की तरह चल फिर नहीं सकते हैं। क्या होता है कि हम कहीं गए, कोई सरकारी कार्यालय में गए, वहां पे हमसे मांगा गया कि ये डॉक्यूमेंट की जेरोक्स करके ले आओ। आप भी जाते होंगे, आपने भी बहुत धक्के खाए होंगे, आप तो इजीली दौड़ के वो करवा सकते हो, हम नहीं करवा सकते, फिर भी हमें अधिकारी बोलते हैं इसकी जेरोक्स करके आओ। अब कार्यालय से निकल के रोड के उस साइड वो जेरोक्स कराने जाएगा, वापिस आएगा, थकान सी हो जाती है। एक बार दिव्यांग की तरह
चाहे आंख बंद करके या पैर पे हाथ रख के या बिना हाथ के चल के रोड पे 100 मीटर भी आप दिखाएं, तब आपको एहसास होगा कि हम कितनी मुश्किलों से पास हो रहे हैं। हम सरकार से यही मांग रहे हैं, हम कोई किसी का हक छीनने के लिए बात नहीं कर रहे हैं। हमारी देश में जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमें जैसे छोटी सी जातियों के उद्धार के लिए काम कर रही है सरकार, वैसे पर्सनली भी दिव्यांगों के उद्धार के लिए, उनको बेसिक फैसिलिटी दिलाने के लिए हम सरकार से निरोध करते हैं, अनुरोध करते हैं कि भाई आप हमें इतनी फैसिलिटी उपलब्ध करवाएं। हम चाहते हैं कि सरकार जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उस तरीके से एक सेपरेटली दिव्यांग कार्ड की रचना करे। उस दिव्यांग कार्ड में क्या क्या कवर होता है, तो उस दिव्यांग कार्ड में आप हमें 100% मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री करवाए सरकारी हॉस्पिटलों में। दूसरी हमारी मांग है प्राइमरी से लेकर ग्रेजुएशन तक सारी सरकारी एवं प्राइवेट सेक्टरों में निःशुल्क शिक्षण की सुविधा दी जाए, वहाँ पे दिव्यांगों की कोई फीस न वसूली जाए। तीसरी उसमें ऐड होने की बात थी कि भारत के अंदर जितने भी सरकारी एवं प्राइवेट सेक्टर है, सॉरी प्राइवेट की बात नहीं है, सरकारी ट्रांसपोर्ट जो भी है, बस है, ट्रेन है, उसमें हमें 100% भाड़े में छूट दी जाए और इसका एक रिजर्व कोटा होना चाहिए। जैसे MP MLA का भी होता है, ट्रेन में उसका कोटा होता है, उसको इतनी सीटें मिलती है, आप समझो बात को, कि रिजर्वेशन फुल हो गया तो उसकी सीट है, तो दिव्यांग का भी एक कोटा होना चाहिए, चाहे 2 सीटें दो, आज नहीं मिली तो कल जाएंगे हम, पर एक रिजर्व कोटा होना चाहिए, भाड़ा भी नहीं होना चाहिए, रिजर्व कोटा होना चाहिए। एक तीसरा मुद्रा ये कवर करना चाहते हैं हम। चौथी बात थी कि गांव के लेवल में जो देहात गांव है वहां पे सबसे ज्यादा दिव्यांग की संख्या है, क्योंकि ये आंकड़े मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आंकड़े सारे आरोग्य के विभाग से मिले हुए कि सबसे ज्यादा दिव्यांग की पॉपुलेशन बच्चे, जिसको हम बोल सकते हैं कि कुपोषण से पीड़ित है, वो गांव देहात में, वहां पे उनको ना कमाने का कोई प्रशासन है, ना ही कुछ मिल रहा है, तो उनके लिए हम चाहते हैं कि आप 100% राशन जो है, पंडित दीनदयाल जो बनाया है राशन, सारी कास्ट को दिया जाता है, BPL किलो पॉवर्टी लेवल वाले लोगों को भी ये दिया जाता है, तो दिव्यांग को भी इस कोटा में डाला जाए और उनको भी आर्थिक आधार पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई करोड़पति दिव्यांग हो तो उसको राशन फ्री, तो आप समझो, पर जो आर्थिक आधार पे भी वो जो वीक है उसको आप 100% राशन फ्री करवाए जाए। ये हमारे मुद्दे थे और हमारी सरकार से ये गुजारिश है। मैं आपको और ऐड करना चाहता हूँ, ये हमारी मांग पूरी करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2011 के ऑफिशियल आंकड़े थे, उसमें 3% पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया दिव्यांग है। अब मैं दिव्यांग वर्ड का यूज करूंगा तो उसमें सारे आ जाते हैं, दिव्यांग है। अब आप समझो कि दिव्यांग कोई ऊपर से टपके हुए लोग नहीं है, जैसे कि हम सीधे ही धरती पे नहीं आ गए, हमारे भी माँ बाप है, हमारे भाई बहन है, हमारा भी परिवार है, तो उस परिवार के सभ्यों को मिलाते हैं तो हमारी पॉपुलेशन देश की टोटल पॉपुलेशन की 12% है, तो तकरीबन 12 करोड़ लोग है हमारे परिवार के साथ। हमारा काम, भारतीय दिव्यांग संगठन का काम है, मेरा वादा है कि विथन 1 से 1.5 महीने के अंदर हम पूरे इंडिया के जितने दिव्यांग है उसको एक धागे में परो के एक माला बनाएंगे और एक ही माला से हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि आप हमारी मांगे समझे, हमें अपना अधिकार नैतिकता के तौर पे दे, तो हम ये माला उन्हें जरूर पहनाएंगे। टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन WHO के आंकड़े के लिए, हमारे नहीं है, आप जाके ऑनलाइन देख सकते हैं, वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन की 15% आबादी दिव्यांग है। हमारी ये लड़त सिर्फ भारत सरकार तक सीमित नहीं है, हम भारत के दिव्यांगों को तो काम करेंगे ही, उसके बाद हमारा काम है कि हम ये इश्यू इंटरनेशनल लेवल पे चलाएंगे। हम यूनेस्को को भी बात कर रहे हैं, हमारी WHO में भी हम लेटर लिख रहे हैं, बातचीत हो रही है कि भी क्या कर रहे हो, हमें भारत के साथ साथ पूरे विश्व के दिव्यांगों के लिए कुछ करना चाहते हैं हम, तो ये आगे की बात है, हम आगे भी जाएंगे और इंटरनेशनल प्रेशर बना के हम अपना अधिकार पाएंगे, ये आप जरा ध्यान गौर फरमाएं। दूसरी बात थी कि एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया,
इलेक्शन कमीशन के आंकड़े कहते हैं कि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कम से कम 1.5 से 2 लाख वोटर दिव्यांग है। गौर फरमाइएगा इस बात को, 1.5 से 2 लाख वोटर्स बता रहा हूं मैं सिर्फ और सिर्फ दिव्यांग है। मल्टीप्लाई बाय 4 करता हूं परिवार के साथ तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 8 लाख लोग दिव्यांग फैमिली में बिलोंग करते हैं, हमारे माँ बाप हमारे परिवार के साथ। और इलेक्शन कमीशन के लास्ट ईयर के रिजल्ट के हिसाब से, आपके 60 साल के रिजल्ट में आप देख सकते हो 90% सीटें ऐसी है जो बिलो 40,000 40,000 वोट के कम मार्जिन से जीती जाती है। यदि हम दिव्यांग है तो हमारी इतनी भी कैपेसिटी कम नहीं है कि हम ईवीएम का बटन नहीं दबा सकते। गौर फरमाइएगा, 40,000 से कम वोटों से हार जीत होती है 90% सीटों की, और हर सीट में हमारे 1.5 से 2 लाख दिव्यांग है। फैमिली को ऐड नहीं कर रहा, हमारे अधिकार के लिए हमारे माँ बाप भी हमारे साथ है, हमें आज पढ़ा लिखा के इतना आगे बढ़ाया है कि आपके सामने बैठ के मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा हूँ और दिव्यांगों के अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ, तो उनके अधिकार दिलाने के लिए हमारे माँ बाप भी यहाँ तक आ सकते हैं। दूसरी बात थी कि आप थोड़ा माहौल इलेक्शन के माहौल में रंग चुका है, नजदीक में ही लोकसभा का इलेक्शन भी आ रहा है। ऑफिशियल आंकड़े कहते हैं कि हर बार वोट की जो शेयरिंग है अदर पार्टीज विरोध पक्ष की बात करें या सत्ताधारी पार्टी की, तो 1% की प्लस माइनस है, सबका वोट शेयरिंग फिक्स आई थी। 33% पे कांग्रेस है, 33 पे बीजेपी है, 34 पे बीजेपी है, आप समझो बात को, 1% की प्लस माइनस है। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारी वोटिंग 4 से 5% है। आपको इस बात को जरा गंभीरता लेना पड़ेगा। मैं मीडिया कर्मियों से ये अनुरोध करता हूं कि हमारी बात आगे बढ़ाने के लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, आप इस बात को जरा गौर फरमाइए, कोई छोटी बात नहीं है। आज छोटी सी छोटी प्रजाति के वोट के लिए संघर्ष कर रही है पार्टियां, आप समझो। मैं वही बात बता रहा हूं कि हम हर कॉन्स्टिट्यूशन में 4% है। दूसरी बात थी कि हमारे सोशल जस्टिस जो है थावरचंद गहलोत जी, हमारी उनसे भी बात हो चुकी है, हमें टाइम मिला है, शाम को हम उनसे भी मीटिंग करने वाले हैं और हमारे जो अधिकार है उसकी हम बात करने वाले हैं। मैं आपसे, मेरी ये तो रिक्वेस्ट आपसे हो गई, आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ये बात सरकार तक पहुँचाएं, देश की सारी जनता तक पहुँचाएं, और यदि आपकी एक शेयरिंग या थोड़ी सी भी बात यदि हर दिव्यांग तक पहुंचती है तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं। हम दया के साथ साथ अपना अधिकार मांगने आए हैं, हमें हमारा अधिकार दिलाओ, और इसमें आप सबकी मुझे सहयोग की जरूरत है। धन्यवाद।